तो चलिए गाइज, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंडियन ओलंपिक। तो आज ही हमारे देश में गोल्ड मेडल आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में बहुत सालों बाद हमारे देश में एक गोल्ड मेडल आया और एक ब्रॉन्ज मेडल आया। तो आज पूरा देश में एक जश्न का माहौल है। तो सभी देशवासियों को जो आज गर्व हो रहा होगा। तो चलिए मैं आज का जो टॉपिक है उस रियल टॉपिक पे आता हूँ। मेरा जो रियल टॉपिक है वो ये है कि हम लोग के जो देश में 5 से 6 मेडल आए हैं, वो मेडल देख के हम लोग जो अपने फेलियर हैं, जो हम लोग की नाकामी है, वो भूल चुके हैं। जो कि 5 6 मेडल देख के हम लोग इतना खुश हो गए, जैसे लग रहा है कि हम लोग के देश में 20 30 मेडल आ गए। मैं मानता हूँ कि 1 मेडल लाने में हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है, बट हम लोग वो मेहनत करते नहीं हैं। और जितने भी खिलाड़ी अभी मेडल लाए हैं, मैंने देखा कि वो अपने दम पे लाए, मतलब 60% वो अपने दम पे लाए, 40% सरकार की तरफ से या कोई स्पोर्ट एकेडमी की तरफ से सपोर्ट है। ना कि उन लोगों को जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। कोई न्यूज़ में दिखा रहा है कि एक प्लेयर थी, वो ट्रक से जाती थी आती थी, जितना उनको पोषण मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलता था। मतलब ये दिखा कि उन लोगों को शर्म नहीं आ रहा कि हाँ, हमारे देश के एक स्पोर्टमैन है, इसको जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है। मान लीजिए आज उनको इतना मिलता तो वो गोल्ड मेडल आती शायद। बस बड़ी गर्व से दिखा रहे हैं कि हाँ, वो कम दूध पी के जाती थी, ड्रग से जाती थी। तो क्यों ऐसा, मतलब क्यों कि हाँ, हम लोग उसको जीतने के बाद ही हम लोग ये चीज़ सब दिखाएं? ऐसा क्यों, ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ, उसको जो चीज़ पहले मिलना चाहिए वो पहले दे दिया जाए, तो शायद वो जहाँ होना चाहिए वो वहाँ पे हो। और एक और चीज़ की क्या है कि हमारे देश से जो 161 या 162 प्लेयर खेलने गए थे, तो जीते 5 6 ही हैं। यही नहीं, 5 6 के बारे में बात हो रहा है, जो कि जो बाकी हार गए उनके बारे में बात नहीं हो रहा है। वो हारे क्यों, इसके बारे में भी हम लोग को बात करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, इंडिया हार जाती है तो हर एक टीम के प्लेयर के बारे में बात होता है, ये प्लेयर इस वजह से हारे, इस वजह से हम लोग हारे, इस प्लेयर की वजह से हारे, इस प्लेयर की वजह से हारे, चाहे इस टीम में ये खामियाँ थी, ये थी, वो थी, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। खामियाँ के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। एक प्लेयर जीत गया है, पूरा देश उसको ये दे रहा है, एकदम प्रोत्साहित दे रहा है, अच्छी बात है, देना चाहिए। मगर मैं ये चाहता हूँ कि एक प्लेयर को क्यों, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे देश में 10 से 20 30 मेडल आए तब हम लोग सब प्लेयर को प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं, हमारे देश में टैलेंट की कमी है, उनके पास भी टैलेंट की कमी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा हो, और वो भी शायद जीत के आए तभी हम लोग उनको उतना चीज़ देंगे, पहले नहीं देंगे, जब जीत के लाएंगे तब देंगे। तो फिर ऐसा कर देना चाहिए ना हमारे देश में कि घर से जो प्लेयर जा रहा है वो अपने घर से अपना स्पोर्ट सीखे, सब कुछ करे, उसी डायरेक्टली ओलंपिक में जाए, वहाँ से मेडल लाए, उसके बाद उनको सब कुछ दे दिया जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है कि हाँ, उनको 50% चीज़ ही मिलता है, जितना उन लोगों को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। और ये जो खामियां हैं ये हम लोग छुपाते हैं अपने देश में, और जो एक ओलंपिक मेडल है उसी के अंदर हम लोग सब कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं, अपने देश की खामियां उसी में छुपा लेते हैं, एक गोल्ड मेडल में। तो ये हमारे देश में जो है, ये खामियां खत्म होनी चाहिए, माइंडसेट चेंज होना चाहिए हमारे देश का। हम लोग क्या है कि एक एक मेडल बढ़ रहा है उसी में खुश है, हम लोग और बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं मानता हूँ कि ये मेडल हम लोग नहीं बढ़ा सकते, जो देश के हमारे प्लेयर हैं उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं के ऊपर है, मगर उनको भी उतना जितना सपोर्ट चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ क्यों, जितने भी हारे हैं खास करके उनके बारे में बात किया जाए, क्योंकि हारने वाले की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जीतने वाले की बहुत कम। तो हम लोग को गौर करना चाहिए कि जितने प्लेयर हारे वो क्यों हारे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी जय श्री राम।